यो, तो कैसे आप लोग? हम आ चुके हैं अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के पार्ट 4 में। तो इस वीडियो का मेन गोल होगा हमारा एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाने का। सो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड हाँ, मैं आपको ये बताने भूल गया कि हमने पिछले वीडियो में 6 डायमंड ढूंढे थे, लेकिन वो वीडियो मैंने बनाया था बट वो करप्ट हो गया, अफसोस। पर देखिए मैंने कितनी लंबी माइनिंग की थी भाई, इतनी ज़्यादा माइनिंग की थी, लेकिन सिर्फ 6 डायमंड। कोई बात नहीं, हम 5 का ही यूज़ करने वाले, एक तो पड़ा रहेगा, क्योंकि 3 से हम यूज़ करेंगे पिकैक्स और 2 से हम बनाएंगे एन्चेंटमेंट टेबल। और पिकैक्स इसलिए क्योंकि उसमें ऑब्सीडियन लगता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो फिर हम लोग को एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए बुक लेग और बुक के लिए पेपर और पेपर के लिए शुगर केन हमें लगाना पड़ेगा। तो हम पहले तो अपना शुगर केन लगा लेते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड देन हमको चाहिए थोड़े बहुत ऑब्सीडियंस, एंड देन अपने 2 डायमंड्स, एंड देन हम इसको क्राफ्ट कर। और हाँ, आपको एक बुक भी लगेगा, वो उसके ऊपर लगा रहता ना, वही इसके लिए। तो हमारा कम से कम एक एन्चेंटमेंट टेबल तो बन गया। अब इसके बुक शेल्फ बनाना बहुत हार्ड होगा, तो हम बोन मिल थोड़ा ग्राइंड करते हैं भाई। ओके, सो हमने बोन तो ग्राइंड कर लिया, आप सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल। चल चल मैं, गुड नाइट। ओके, तो फिर हम यहाँ पे बोन मिल करके सारे के सारे को उगा लेते हैं, एंड पेपर बना लेते हैं सबका और बुक। ओके, तो फिर मैं वुड बना के इसको, मैं पेपर बना के, ये बुक वुक बना के बुक शेल्फ बना लिया। वुड लाया मैं, तो फिर मेरे कुछ कितने बनेंगे चलिए देखते हैं। 11 से हमारा पूरा तो नहीं हो पाएगा, पर जितना आएगा उतना ही अच्छा है भाई। नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग। क्या बात करते हैं यार। तो फिर अब थोड़ा अजीब टाइप करके लगा देते हैं इसको, एंड अब यहाँ पे रख देते हैं और देखते हैं। 30 लेवल का तो नहीं होगा, बट ठीक है, 22 भी ठीक है। तो अब अपना सामान एन्चेंट कर लेते हैं। ओके, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पिकैक्स कर लेते हैं इसको एफिशिएंसी 1 यार, उतना मस्त नहीं। अब अपने आर्मर को निकाल लेते हैं और उसको भी एन्चेंट कर लेते हैं। ये निकल गए, हेलमेट बस बचा है, और इसको भी एन्चेंट लग इस तरफ भी था। इसको नंबर 1 वाला एन्चेंट करेंगे, क्योंकि अपने पास अभी उतना सामान नहीं है ना, मतलब उतना एक्सपी नहीं है, लेकिन हम एक्सपी फार्म भी बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हम एक्सपी फार्म भी बनाएंगे ताकि हम अच्छी एन्चेंटमेंट ले सकें। सो फिर हमारा पूरी आर्मर भी हो गया। अब एक स्वॉर्ड बना के उसको भी एन्चेंट कर देते हैं। ओके, तो फिर मेरा स्वॉर्ड टूट गया था, इसलिए मैं नया बना के इसको एन्चेंट कर देते, एकदम नॉर्मल से एन्चेंटिंग 6 लेवल का, क्योंकि अपने पास उतना बचा ही नहीं। शार्पनेस 1 यार सही है, फिर भी इसको भी नंबर 1 का ही दे देते हैं। एफिशिएंसी 1 ही आया, कोई बात नहीं। ओ, ये 4 बो है मेरे पास, इन सबको कंबाइन करके एक अलग सा बो ही बना देते हैं, मतलब एक नया नवेला बो, बनाने की ज़रूरत ही नहीं ये कम। अरे एक साथ नहीं होता, तो हम इन दोनों को बना के इन दोनों को ही कंबाइन कर देंगे, देखते हैं। यस, फुल मतलब HP वाला, इसको भी रख देते हैं। ये गया नंबर 1 वाले पावर वो नीचे वाले लेते, लेकिन कुछ मिला ही नहीं यार, वेस्ट हो गया, पर कोई बात नहीं। तो फिर अब हमारा पूरा आर्मर तो हो गया एन्चेंट। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।